उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से चाचा और भतीजे की दूरियां भी कम होने लगी हैं। मतलब दोनों दलों के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी से अलग होने के करीब 5 साल बाद चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले परिवार एकजुटता के अलावा और भी कई सियासी संदेश दे रहा है। सपा कार्यालय में अखिलेश और शिवपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर और टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव दोनों सपा के टिकट और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि टिकट को लेकर फैसला शिवपाल ने अखिलेश पर छोड़ दिया है। बैठक के बाद शिवपाल ने कहा कि इस बार सपा सरकार बनाने जा रही है, अखिलेश यादव सरकार का नेतृत्व करेंगे, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा शिवपाल समर्थक कुछ और लोगों को सपा टिकट देगी। शिवपाल ने कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया गया है, अखिलेश हमारे नेता है। शिवपाल पहले ही कह चुके हैं कि वो साइकिल सिंबल पर ही प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि उनको नया चिन्ह मिला है और इसके बारे में जनता को बताने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं है।